खरगोन में जिला अस्पताल के कोविड वार्ड के आईसीयू कंट्रोल पैनल में अचानक आग लग गई, जिससे उठने वाले धुएं से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना लगते ही कर्मचारी ने आईसीयू वार्ड में भर्ती चार मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करके आग पर काबू पाया। इस दौरान मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि आग लगी थी, जिस पर काबू पा लिया गया। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम सत्येंद्र सिंह ने घटना को नॉर्मल बताकर अनुसंधान करने की बात कही। एक बाइक है वो थोड़ा पंचर हो गया, इसलिए थोड़ा सा आग लग गई। हादसे से बच गए हैं, मतलब ज्यादा मतलब नहीं हुआ है, ज्यादा कुछ होता तो जहाँ भी हो सकती थी, अभी ऐसा कुछ हुआ है। क्या कार्रवाई क्या की जाएगी इसमें? अब इस पर अभी इसको जो कंपनी से जो किया है उसका कार्रवाई करेंगे। सूचना मिली कलेक्टर मैडम को कि आईसीयू में आग लगी है, तो तत्काल में आया तो पता चला कि जो कंट्रोल पैनल है आईसीयू से जो लगा हुआ होता है उसमें कहीं शॉर्ट सर्किट हुई थी, जिस पे तत्काल काबू पा लिया गया। खतरे जैसी कोई बात नहीं। चार मरीज थे आईसीयू में भर्ती सर, शिफ्ट भी किया गया। हमारा जो एसडीओ है उसमें उनको शिफ्ट किया जा रहा है, सिलेंडर और ऑक्सीजन की कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नहीं, सिलेंडर और ऑक्सीजन को लेके ऐसी कोई समस्या नहीं है, हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था है, उसमें पेशेंट को शिफ्ट कर दिया है। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? अब ये टेक्निकल चीज़ें हैं, जांच के बाद ही पता चलेगा कि जो उनका जो कंट्रोल पैनल था कैसे आग लगी, वो जांच के बाद ही पता चल सकता है। आप भी नॉन टेक्निकल आदमी है, मैं भी नॉन टेक्निकल आदमी हूँ। अब टेक्निकल आदमी आएगा वही बता सकता है जांच के बाद कि एक्चुअल में आग कैसे लगी। सर एक बड़ा आग बहुत गंभीर आग नहीं थी, बहुत सामान्य सी आग थी, और हमारा आईसीयू का जो बेड है पूरी तरह से सुरक्षित है। एक बड़ा हादसा, कोई उसकी मतलब असर नहीं होता। एक बड़ा हादसा कहने का टल गया सर, आप कह सकते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। बहुत बड़ा हादसा था, छोटी शॉर्ट सर्किट थी, कंट्रोल पैनल में लगी थी और कंपनी को सूचित कर दिया गया है, कंपनी वाले आज उसको सही कर दें। क्या कार्रवाई की जाएगी सर इसमें? अब इसमें देखा जाएगा, जांच होगी, इसमें मानवीय भूल थी या टेक्निकल एरर था, जो भी होगा, जैसी भी स्थिति होगी हम लोग अवगत करेंगे। खरगोन से यूडी न्यूज के लिए सलाम अंसारी की रिपोर्ट।